आखिर रॉयल रंबल में रोमन रेंग्स और सेथ रॉलिंस में से किसकी होगी जीत? ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के इस ड्रीम मैच में कौन बनेगा विजेता और कौन जीत सकता है इस साल का 30 मैन रॉयल रंबल मैच? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं WWE चैंपियनशिप मैच की, बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेज ऑलमाइटी बॉबी लैशली। दोस्तों, डे वन में WWE ने लैशली को लेसनर के खिलाफ काफी ज्यादा डोमिनेंट और ताकतवर दिखाया है, पर इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि ब्रॉक इतनी जल्दी अपना टाइटल हारेंगे, क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर से इतनी जल्दी टाइटल वापस लेना होता तो उन्हें चैंपियन ही क्यों बनाया जाता। तो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन है कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को हराकर अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे, बस इस मैच में कोई इंटरफेयर ना करे और ये डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म ना हो। वही इस साल होने वाले 30 मैन रॉयल रंबल मैच को जीतने वाले रेसलर में सबसे पहला नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि खुद हमारे करंट WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है, पर यही एक तरीका होगा जिससे WWE रेसलमेनिया 38 में रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच करवा सकेगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ब्रॉक और बॉबी के बीच होने वाले मैच में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने इंटरफेयर किया और ब्रॉक बाय चांस इस मैच को हार गए तो भी वो रॉयल रंबल मैच को जीतकर रोमन रिंग्स को रसलमीनिया में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकेंगे। वैसे तो ब्रॉक नहीं हारेंगे, लेकिन ये रूमर सामने आया तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बात हम सब जानते ही हैं कि ब्रॉक कितने अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो हमेशा कुछ अनोखा करके दिखाते हैं। ब्रॉक के बाद बिग ई, एजे स्टाइल्स, ओमोस और केविन ओवेंस का नाम सामने आया है जो कि 30 मैन रॉयल रंबल मैच को जीत सकते हैं। वहीं अगर बात करें रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच होने वाले यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच की, तो यहां कई सारे रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि सेथ रोमन को हरा देंगे, ऐसा वैसा ये वो फलाना ढिमकाना, क्योंकि सेथ पहले भी कई बार रोमन को हरा चुके हैं, पर पहले रोमन फेस थे, मतलब सीधे सादे थे, लेकिन अब वो हील मेगा विलन है जो कि जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं WWE के ऐसे प्लान है ही नहीं कि रोमन को यूनिवर्सल टाइटल हरवाया जाए, स्पेशली तब जब वो ब्रॉक लेसनर का 503 दिनों तक यूनिवर्सल चैंपियन रहने के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हो। तो यहाँ मेरा फाइनल प्रेडिक्शन होगा कि रॉयल रंबल में ट्राइबल चीफ अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे सेथ रॉलिंस को हराकर। लेकिन आपके हिसाब से कौन जीतेगा इस मैच को कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।